हाय गाइस, इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज की वीडियो में बताऊंगा कि सडबरी में कनाडा में जॉब्स का क्या हाल है। अगर आप किसी और प्रोविंस से यहाँ मूव होने की सोच रहे हो पीआर के लिए या जॉब के लिए, वो आपको बेनिफिट देगी कि नहीं देगी सडबरी में आने का, या आप एज अ स्टूडेंट या विजिटर वीज़ा पर आके कन्वर्ट करवाना चाहते हो वीज़ा सडबरी में आना चाहते हो, कि आपको पता है कि यहाँ पर कोई प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि आपकी पीआर में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जॉब का क्या सिनेरियो है। यहाँ पर आ जाओगे, पीआर भी चलो 2-3 साल के बाद लेने की कोशिश करोगे, लेकिन जॉब्स का क्या सिनेरियो बताऊंगा कि जॉब की क्या कंडीशन चल रही है यहाँ पर इस स्टेज पे। मुझे यहाँ पर आए 6 महीने हो गए हैं और ओवरऑल काफ़ी सारी जगह पर मैं जॉब हंटिंग के लिए गया हूँ। सो मुझे सर्दियों में तो ऑफकोर्स नो हायरिंग, वी आर नॉट हायरिंग राइट नाउ, कुछ ऐसी चीज़ें ही सुनने को मिली हैं। लेकिन अब समर्स में क्या हाल है, अभी टुडे इज़ 19th of this June 2024, सो यहाँ पर अभी जॉब्स को लेके क्या सिचुएशन है। सो ऑफकोर्स हर जगह आपको जानते हो कि कैनेडा में हर जगह रिसेशन आया हुआ है, सो ऑफकोर्स मंदी चल रही है हर जगह, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि जॉब्स का बिल्कुल अकाल ही पड़ गया है, कुछ भी नहीं है, सब सूखा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी लोगों ने आपको डीमोटिवेट किया है, ऑफकोर्स वो सब बकवास चीज़ें हैं। आपको जो है ना हर एक की बात नहीं सुननी है, हर जगह अगर कोई पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो नेगेटिव भी आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन इट्स जस्ट अप टू यू, और आपका माइंडसेट क्या कहता है कि आपको पॉजिटिव चीज़ें देखनी है कि नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करना है, सो वो आप खुद सोच सकते हो। सो ऑफकोर्स अगर आप पॉजिटिव साइड देखो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जॉब दिला सकती हैं। ऑफकोर्स जब आप जॉब हंटिंग के लिए निकलते हो सो कुछ हटके करो, आई मीन टू से कि जहाँ हर कोई जा रहा है जॉब हंटिंग के लिए, कोई रेस्टोरेंट हो गया, कोई लेट अस यूम मॉल में हो गया, या KFC मैकडी वगैरह, ऑनलाइन तो आप अप्लाई करोगे ही वॉलमार्ट वगैरह में, सो आप दूसरी जगह पर ट्राई कर सकते हो, जैसे कि किसी फूड ट्रक में, जो यहाँ पर फूड ट्रक हो गया दुजना की पैटियो रेस्टोरेंट्स जो है ना समर में शुरू हो जाते हैं, सो आप ऑफकोर्स डाउनटाउन एरिया में ऐसी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। आप कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स ग्रैब कर सकते हो जैसे स्मार्ट सर्व हो गया, जो आपको जॉब्स लेने में हेल्पफुल रहेंगे। सो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हो, ऑफकोर्स हर जगह में ही। गोल्फ कोर्स आप जा सकते हो, कुछ भी कहीं पर भी जा सकते हो जॉब पता करने के लिए, ऐसा क्योंकि लेट अस अस्यूम किसी का फार्म है, उसका कोई बिजनेस नहीं है, लेट अस अस्यूम किसी का फार्म है, आपने जाकर उससे बात की, क्योंकि ऑफकोर्स जिसके पास इतनी ज़्यादा लैंड है, उसके पास इतना ज़्यादा काम है करने के लिए, ऑफकोर्स उसको मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। सो आप उसको पूछ सकते हो कि अगर किसी भी आपको काम की ज़रूरत है वो आपको बता सकता है। सो कोई भी काम हो, सो ऐसी चीज़ें आप ज़रूर ट्राई करोगे तो आपको जो है ना कहीं जॉब सेट हो जाएगी। सेकेंडली, आप जॉब लेने के लिए अपने जगह जगह रिज्यूम ड्रॉप तो आप एक बार कर दो ज़रूर। दूसरा काम आपको क्या करना है कि आपको अपने नेटवर्क्स बढ़ाने हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ ये नोट की कि रेफरेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग डिपेंड करते हैं, और रेफरेंस से काफ़ी जल्दी जॉब भी मिल जाएगी आपको। सो मैं आपको यही बात बोलूँगा कि जो लोग यहाँ पर पहले के आए हुए हैं ना, जैसे लेट अस अस्यूम सडबरी में जो लोग पहले के आए हुए हैं, 6-6 साल, 2-3, 3-4 साल आए हुए हैं, उनसे कॉन्टैक्ट बढ़ाओ, उनको अपने कॉन्टैक्ट्स में रखो और उनसे बात करो कि अगर कहीं पर जॉब हायरिंग चल रही है तो उनको बताओ। वहाँ जो 6-6 साल के यहाँ आए हैं, जिस जगह पर वो काम कर रहे हैं, उस जगह पर अगर कोई हायरिंग चल रही है या उसके आसपास कोई भी सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि जहाँ पर कुछ भी एक्वायर हो सकता है आपके लिए, सो ऑफकोर्स उनके कॉन्टैक्ट में रहोगे तो आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। मेरा एक फ्रेंड है, उसने जो है ना अपने हाउस ओनर को ही कॉन्टैक्ट में रखा, लाइक ऑफकोर्स बाकी लोगों को भी वो कॉन्टैक्ट करता रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके साथ कॉन्टैक्ट रखा, तो उसने स्पेशली अपनी रेफरेंस के ऊपर पेट्रोल गैस स्टेशन जो होता है, ठीक है, पेट्रोल पम्प पर उसको शिफ्ट दिलवाई हैं, और वो ऑफकोर्स अब काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। सो ऐसी चीज़ें करो कि आपको जो है ना कुछ अलग हटके चीज़ें करो तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। सडबरी के आसपास काफ़ी सारे एरियाज हैं, जैसे कि चेम्सफोर्ड, लाइवली, गार्सन, एजल्डा, जो सिटी से थोड़े से बाहर हैं, वहाँ जाकर चेकआउट करो। वहाँ क्या है कि हर कोई नहीं जाता जॉब ढूंढने के लिए,
अगर आप उन जगह पर जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जॉब मिल ही जाएगी। सो ऐसी चीज़ें आपको करनी है। सडबरी में मैंने आपको हाईलाइट कर दिया जो चीज़ें आसपास हैं। सो आप उन जगह पर जाकर पता करो तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। सो अभी सिनेरियो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि इतना इजी नहीं है यहाँ पर जॉब ढूंढना। अगर आप प्लान कर रहे हो किसी दूसरी सिटी से यहाँ आने की, वहाँ पर अपनी जॉब छोड़ के आओगे, यहाँ आप अगर जॉब ढूंढोगे, इतना इजी नहीं होने वाला, ठीक है। सो जैसे आप काफ़ी लोग जो है ना पीआर के लिए मूव हुए हैं यहाँ ब्रैम्पटन से या दूसरी जगह से। सो ऑफकोर्स काफ़ी लोग जॉबलेस भी हैं इसी कारण। सो आप सोच समझ के इस फैसले को लेना। अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट है यहाँ पर उससे बात करो कि पहले से ही कोई जॉब ऑलरेडी उसकी नज़र में है। सो फिर आप एकदम प्लान करो, क्योंकि ऐसे आपका डिफ़िकल्ट हो जाएगा सर्वाइव करना बिना मनी के, बिना इनकम के। सो दिस वॉज द वीडियो। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इतना इजी नहीं है यहाँ सडबरी में, यहाँ पर भी आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि अभी भी 6-6 महीने हो गए हैं वो फ्री हैं, उनको जॉब नहीं मिली। सो आप देख लो कि मैंने आपको ओवरऑल समझा दिया कि मिल जाएगी, हायरिंग चल भी रही है कई जगह पर, लेकिन हर किसी को नहीं मिलेगी, ये कोई गारंटी नहीं है हर किसी को मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो दिस वॉज द वीडियो। कैसी लगी डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।